शारदा को नमन करता हूँ, पतंजलि योग पीठ की इस पावन मिट्टी का चंदन अपने मस्तक पर लगाता हूँ। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, गुलाब कोठारी जी और पवार जी, सभी पूरे मंचासीन हमारे गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन वंदन करता हूँ और आप सबका सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत, लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक थी, वो मैंने बजवाई थी। बहुत अच्छा पवार जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, समय की सीमा है इसलिए जल्दी से आप तक पहुंचता हूं। तमाम दुनिया के लोग यहां बैठे हैं और अपने घरों में भी आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से कविता सुन रहे हैं। अभी जहां से उस बच्चे ने कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया, जहां पवार जी ने अपनी बात को छोड़ा भगवान राम, वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। मैं अपनी विधा से हटकर कुछ देर बोलता हूं और इसलिए आपका और ज्यादा मन चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी विधा को छोड़कर थोड़ी देर के लिए स्वामी जी के चरणों में बैठकर पवार जी के सानिध्य में नए विषयों पर अपनी आवाज उठाता हूं। पिछले दिनों हमारे देश में कुछ राजनेताओं ने यह कहा कि इस देश में भगवान राम नहीं हुए। बड़ी संख्या में यहां साधु संत बैठे हैं, उनका आशीष चाहता हूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा करोड़ों अरबों लोगों के भावनाओं पर चोट की गई है। जब ये आग दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम बंगाल तक पहुंची तो मैंने चार पंक्तियां ऐसे राजनेताओं के लिए लिखी, आप तक पहुंचाता हूं। और अगर आप तालियां बजाएं तो ये सोचकर बजाएं कि आपकी तालियां भगवान राम के चरणों तक जाएंगी, जिनकी अस्मिता पर आज प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। मैं पढ़ने का साहस करता हूं, आप समर्थन करें। कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, आपका समर्थन बताएगा कि देश की जनता क्या चाहती है। कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्त तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी राम। कुछ लोगों के हाथ खामोश रह गए, मुझे नहीं मालूम वो किस खानदान के हैं। मैं फिर कहता हूं और इसलिए बोलता हूं कि महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास का वंशज हूं, पूज्य स्वामी रामदेव जी का नाम भी भगवान राम से प्रारंभ होता है। तब कहता हूं, जब लोग ये कहें कि भगवान राम नहीं थे तो हमें आपको क्या करना चाहिए, चौथी पंक्ति से आप सहमत हों तो आप सबके हाथ उठें, अपना समर्थन दें। कि कलयुग है मगर पाप की धारा में ना बहना, कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, शब्द होते हैं, वो शब्द अगर आपके दिलों तक पहुंच जाएं तो आपकी तालियों की भरपूर गूंज उन तक आनी चाहिए। कि कलयुग है मगर पाप की धारा में ना बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में ना रहना, जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे। जिन लोगों को यह मालूम नहीं कि उनकी सरकार भी वापस आएगी 5 साल बाद, वो कहते हैं भगवान राम नहीं थे। तब मुझे क्या लगता है, शुद्ध कविता के माध्यम से जवाब देता हूं। कि जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वाह वाह वाह, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें शाप नहीं थे, जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे, जैसे वो कह। स्वामी जी का राष्ट्रीय अभियान भारत स्वाभिमान की जो योजना है, चार पंक्तियां उसे समर्पित करता हूं। हमने हिंदुस्तान की संसद भवन में 900 कुछ पार्टियां भेज दी, लेकिन चार पंक्तियां मेरे जहन में आई, क्यों देश में बार बार धमाके होते हैं, उन धमाकों का जवाब एक पंक्ति में देता हूं। कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है,
कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। माना हमारे देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा। दुनिया के तमाम देशों में जाने का अवसर मिला। पिछले वर्ष अमेरिका के 18 शहरों में मैं गया, वहां से उस जमीन से मैंने चार पंक्तियां उठाई। जब दुनिया का कोई दादा 100 करोड़ के हिंदुस्तान को आंख दिखाए तो मैं चार पंक्तियां हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पढ़ता हूं और एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं कि हम भोर का सूरज है, कोई शाम नहीं है। हिंदुस्तान बोलता है 100 करोड़ का। बहुत अच्छा। कि हम भोर का सूरज है, कोई शाम नहीं है, चढ़ कर के उतर जाएंगे वो जाम नहीं है। हम मिट नहीं सकते हैं ये दुनिया को बता दो, हम राम है घनश्याम है सद्दाम नहीं है, हम राम है घनश्याम है सद्दाम नहीं। वाह सुनील। और राजनीति पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद आपकी धड़कनों तक पहुंच जाएं। आपका आशीष चाहता हूं कि वो पुण्य और पाप कभी हो नहीं सकता। वाह वाह, आशीष चाहता हूं। हाँ सर। कि वो पुण्य और पाप कभी हो नहीं सकता, वरदान और शाप कभी हो नहीं सकता। और अंतिम पंक्ति में अगर आपको लगे कि कवि ने सही बात कह दी है तो आगे से पीछे तक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं कि वो पुण्य और पाप कभी हो नहीं सकता, वरदान और शाप कभी हो नहीं सकता। जो शख्स अपने देश की मिट्टी का नहीं है, कमबख्त वो माँ बाप कभी हो नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, आप मेरा संकेत समझ जाएं तो फिर अंतिम पंक्ति में आपके हाथ उठे, आप क्या चाहते हैं, आपकी तालियां मुझे बताएं। कि उनके दिलों में देश की तस्वीर नहीं है। वाह भैया वाह। स्वामी जी के अभियान को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि उनके दिलों में देश की तस्वीर नहीं है, खादी को भारती की कोई पीर नहीं है। इस देश के बेटों की है वो गाढ़ी कमाई, स्विस बैंक का धन बाप की जागीर नहीं है, स्विस बैंक का धन बाप की जागीर। बहुत अच्छा सुनील। ये स्वामी जी का आदेश है और मेरा निवेदन, पूज्य स्वामी जी चाहते हैं आप माँ वाली कविता का वाचन कर दें। सुनील जोगी ने माँ पर एक श्रेष्ठ रचना, जो वही पढ़नी है सीधी, माँ पर एक उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है सुनील जोगी ने। कुछ लोग सुन चुके हैं लेकिन स्वामी जी की फरमाइश है, उनकी और कुछ लोगों की फरमाइश आई हुई है, वही रचना सीधे पढ़नी है, समय का भी ख्याल रखना है। और मुझे इस कविता के सम्मान में केवल इतना कहना है, हम पटियाला गए थे पिछले दिनों, वहां एक प्रोफेसर साहब ने एक बहुत छोटी सी कविता सुनाई 2 लाइन की माँ पर, और सुनील जोगी की श्रेष्ठ माँ वाली कविता की भूमिका में उससे अच्छी कोई पंक्ति नहीं हो सकती। उन प्रोफेसर साहब की 2 पंक्ति थी, जब हम छोटे थे हम आपस में लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब हम बड़े हो गए हम आपस में फिर लड़ने लगे, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। किसी शायर का शेर है, उनकी फरमाइशें, बच्चों की जिद और अपनी शराब, ये तो सब याद रहा, माँ की दवा भूल गए। हमारे देश के वैदिक संस्कार थे कि हमारे माता पिता हमारी संपत्ति हुआ करते थे। भूमंडलीकरण ने देश को इतनी तरक्की पर ला दिया कि आजकल की नई पीढ़ी संपत्ति को माता पिता समझने लगी। उस दौर में एक श्रेष्ठ कविता लेकर सुनील जोगी आए हैं, पूज्य स्वामी जी का बहुत स्नेह और आशीर्वाद उस कविता को मिला है। मैं सुनील जोगी से अनुरोध करूंगा कि वो सीधे माँ वाली कविता का वाचन कर दें। छंदों के लिए स्वामी जी ने आदेश दिया है। देश में चुनाव चल रहे हैं, कैसे कैसे लोग राजनीति में आने लगे, सीधी माँ पढ़ दो, क्या परेशानी है। कैसे कैसे लोग राजनीति में आने लगे, जैसा स्वामी जी ने कुछ और मुझे सुनाने को थोड़ा सा कहा, मैं उसकी एक वानगी देता हूं। हाथ से पढ़ना चाहता हूं, हाथ से।
जब लोग चंबल की घाटियों से चुनकर संसद के गलियारों तक पहुंचे तो एक शुद्ध व्यंग का छंद मैंने लिखा, आप तक पहुंचाता हूं। राजनीति कहां तक पहुंच गई है कहने की आवश्यकता नहीं है, एक एक शब्द पकड़ें और कविता और मेरा व्यंग का तेवर आप तक पहुंच जाए तो आप बताएं कि कोई यहां डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। बात पहुंच जाए तो आपकी तालियां प्रतिक्रिया भी आती रहे। कि कोई यहां डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। धूल में खेले ना कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। धूल में खेले ना कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। मैंने कहा बीए बिना पिए रखते हैं आप, मैंने कहा बीए बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। और एक पंक्ति का शुद्ध व्यंग इस लोकतंत्र पर इससे बढ़िया मैं कह नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी के चरणों में रखता हूं और आप तक पहुंच जाए तो कोई हाथ खामोश न रहे। कि मैंने कहा पिए बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते। मेरी तमाम हास्य की कविताएं hasyakavisammelan.com में हैं, मैं सीधे सीधे मां पढ़ता हूं और उसकी भूमिका में एक दो मुक्तक पढ़ता हूं। इतनी सारी बेटियां यहां बैठी हैं, मेरे घर जब एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो चार पंक्तियां मैंने बेटियों के लिए कही। आपका मानस बनाने के लिए, उस कविता तक लाने के लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। आपके घर आंगन से कुछ पंक्तियां उठाता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। इतनी बेटियां हैं यहां, माताएं बहनें बैठी हैं, उन सबको समर्पित करता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। और मेरा मानना है कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बहुत अच्छा। इस देश में जब लोग भ्रूण हत्याएं करने लगे, गर्भ में बेटियों को मारने लगे, तो मैं एक बंद बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, उनकी रक्षा के अभियान में पढ़ना चाहता हूं और आपका मन और समर्थन चाहता हूं। शायद आपको लगे कि बेटियों की रक्षा के लिए इस कवि ने कुछ पंक्तियां कविता की कही हैं, आपका ध्यान चाहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आपके हाथ खुले, अच्छी कविता पर आपकी अच्छी तालियां भी मिले तो अच्छा लगेगा। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह भाई, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। जिस कविता के लिए आदेश हुआ है, मेरा मानना है, कहता हूं कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं। माँ हमें कितनी मुश्किलों से कैसे पालती है, कैसे बड़ा करती है, और हम बड़े होकर माँ के साथ बाप के साथ क्या सलूक करते हैं। जब इस देश में समृद्ध लोग बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ने लगे तो हास्य व्यंग के इस कवि ने कुछ पंक्तियां माँ पर कही हैं। थोड़ी देर के लिए आप सब अपनी माँ की छवि अपने जहन में उतार लें और एक बचपन से कहानी नुमा कविता एक यात्रा करवाता हूँ। मेरी सबसे अच्छी कविताओं में से एक है, पूज्य स्वामी जी को भी बहुत बहुत पसंद है, वो कविता मैं पढ़ता हूँ। जहां जहां शब्द आपके दिलों तक उतर जाएं, वहां वहां आपका प्रेम और समर्थन चाहता हूं। कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था।
उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। आपकी कमजोर तालियां कहीं कविता को कमजोर ना करें, मैं अच्छी कविता पढ़ रहा हूं इसलिए आप सबका पूरा पूरा मन और ध्यान चाहता हूं। ये जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता। बहुत अच्छा। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। वाह 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 वाह। मैं उसका राजा बेटा था वो आंख का तारा कहती थी, मैं बनू बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी, उंगली को पकड़ चलाया था पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती। वाह। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। वाह वाह वाह। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। बहुत अच्छा। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी। वाह। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी, हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी, हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ा, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। बहुत अच्छा है सुनील, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, माँ के सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए, हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए, माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, गर्मा अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। गर्मा अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है, घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। और वो दो पंक्तियां पढ़ता हूं जो कहीं ना कहीं माँ शारदे ने लिखवा दी हैं। आप महसूस करें कि कवि ने इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं उतरी हुई आमद की पंक्तियां आप तक भेज दी हैं और सच्चाई बयान की है, तो इन पंक्तियों पर एक एक व्यक्ति का हाथ उठाकर समर्थन चाहता हूं। कि रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है, जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते। वाह 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 सुनील, वाह। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है, माँ के चरणों को छू कर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है, हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है, दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई। क्या बात है, दुनिया क्या बात है सुनील, क्या बात है। वाह वाह वाह। आंचल से आई है माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली, खुसरो की अमर रुबाई है, माँ आनंद की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ माँ काव्य की काया है, माँ मानसरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है, माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है, माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी। बहुत अच्छा है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है, सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है, माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीर्ष झुकाता है, माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, लेकिन मन के इस मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है, माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है, अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर।
वाह वाह सुनील, माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहां, सारे तीर्थ के पुण्य जहां, मैं उन चरणों में लेटा हूं जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माओ का बेटा हूं। जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माओ का बेटा हूं। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके पूरे मन समर्थन और प्रेम से के साथ विदाई चाहता हूं कि हर घर में माँ की पूजा हो, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूं मैं। दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीर्ष झुकाता हूं, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीर्ष झुकाता हूं। बहुत बहुत आशीष है भाई सुनील जोगी को, माँ इस धरती का भगवान है। और